और वो सवाल है आज के मेगा स्टार के बारे में। तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई मैं किसकी बात करूंगा। आज का मेगा स्टार अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो HDFC बैंक ही है। तो जो इसके बारे में खबरें हैं, इंडेक्स में इसे शामिल करने की बात जो हो रही है NSE इंडेक्स में, और उसमें मतलब सीधे लगभग दोगुना इसका वेटेज हो जाएगा। तो जाहिर है कि बड़े जो खिलाड़ी हैं उनको खरीदना है अभी इस शेयर को आगे लंबा, वो एक आध दिन में नहीं होगा। तो क्या अब HDFC बैंक मतलब कप कटोरी, कप एंड हैंडल वगैरह सब चीजों को छोड़ देखिए, करके आगे बढ़ गया है? इसीलिए ना राजीव जी, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अच्छे इंसान की ताकत को समझना। HDFC बैंक जस्ट बिकॉज कहानी बनने लगी कि HDFC के मर्जर के कारण इनका मार्जिन इंपैक्ट हो गया है, इनके NPAs इंपैक्ट हो गए हैं, ये सब नोन फैक्टर्स हैं। ये आप मर्जर के पहले से जानते हैं कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक बैंकिंग बैंक के कंपैरिजन में उतनी एफिशिएंट पैरामीटर्स पे नहीं हो सकती है। लेकिन इसमें जो सिनर्जी है, उस सिनर्जी को समझना चाहिए कि कितना बड़ा रीच मिलेगा अगर इनके ब्रांचेस को क्रॉस प्रोडक्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये बहुत बड़ा रीच देगा, बहुत बड़ा रीच देगा। और आप समझिए रहिए कि मान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी नॉमिनल लेवल पे जो GDP है, अगर 7% रियल है और 6% 7% इन्फ्लेशन लगाइए, तो 13-14% पे तो नॉमिनल ग्रोथ है ना GDP का। 13-14% पे ग्रोथ है तो आपका क्रेडिट ग्रोथ 14% के आसपास नहीं हो, ये तो नहीं माना जा सकता। हो सकता है कि ये एक्सेलरेट होके जो 17-18% के आसपास भी चला जाए, उसके ऊपर कोई होने नहीं देना चाहिए, कोई भी रेगुलेटर नहीं होने देना चाहेगा, फिर बहुत ही इश्यू हो जा जाएंगे। तो इतना ग्रोथ होगा क्रेडिट का तो कौन देगा? HDFC बैंक नहीं देगा। नहीं देगा तो फिर मीट कहाँ से होगा? HDFC बैंक को भी उसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट होगा, तो इनका बैलेंस शीट कितना स्वेल होगा। ये लंबा रन के लिए तैयार है, लेकिन पोर्टफोलियो स्टॉक है। इससे आप 1400 पे भी मैं आपको कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाया कि ले लीजिए, 1200 नहीं जाएगा। मैंने उस समय भी आपको यही बोला कि यहाँ से बहुत बड़ी वैल्यू है इसमें, कब चलेगा भगवान जाने, लेकिन 1200 इसका डिस्ट्रेस लेवल वैल्यूएशन बनता है। इस चीज़ का भी डिस्कशन हुआ, 1400 के आसपास से चल गया, 1750 ही बनता था, अभी तो ऑल टाइम हाई बन गया। थियरी ही कहती है कि नया हाई बन गया है तो आगे भी बनेगा। और अभी तो जब मैं कह रहा हूँ बैंकिंग निफ्टी बैंक मुझे 55,500 दिखता है, तो क्या बिना HDFC बैंक के दिखता है? यही तो राजा है ना अभी। तो राजा का नींद अभी खुला है, बहुत कुछ होगा इसमें, लेकिन ये पोर्टफोलियो स्टॉक है राजीव जी। ये ना ट्रेड कर सकते हैं आप इसको, ना इसमें कोई प्रडिक्शन कर सकते हैं। इसका जो चढ़ाई है ना, 1400 रुपये से लेके ऑलमोस्ट 1800 तक का, ये बहुत शार्प है। जब प्रॉफिट बुकिंग भी होगी तो वैसे ही शार्प होगी, और फिर सेकेंड राउंड में और अच्छी बाइंग आएगी। मुझे लगता है ये फिनेंशियल ईयर का अच्छा कैंडिडेट बनना तो चाहिए इसको, एज लॉन्ग एज निफ्टी बैंक अच्छा सपोर्ट और लेके आगे जाना चाहता जी, है। लेकिन अभी तो ये दिख रहा है ना कि 3 साल से ज्यादा समय का कंसोलिडेशन पार करके इसमें एक नया ब्रेकआउट हुआ है। तो इस इतने समय का कंसोलिडेशन खत्म करने के बाद अगर एक ब्रेकआउट होता है तो वो मतलब 150 रुपए का तो ब्रेकआउट नहीं होगा ना फिर? ब्रेकआउट बड़ा है, ब्रेकआउट बड़ा है, लेकिन जिस तरह का मूव है ना, थ्रोबैक होना ही होना है। तो ब्रेकआउट बड़ा होने का ये मतलब नहीं है कि यहीं से ऊपर चला जाएगा, जाएगा। ब्रेकआउट बड़ा है और इसमें कोई भी कुतर्क किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन थ्रोबैक नहीं होगा इस चीज से भी डिसएग्री नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये राइज देख लीजिए। तो जब थ्रोबैक होगा उस समय अपना मन बनाइए और थोड़ा चिड़िया बन जाइए, छोटे छोटे टुकड़ों में खाते रहिए और देखिए आगे क्या फायदा है। जी, तो जब ठीक है एक थ्रोबैक होगा उसके बाद वहां पे पकड़े, वो सब बातें ठीक है, लेकिन एक बड़ा टारगेट इस समय अगर किसी को मन में रखना है कि भाई क्या यहाँ से ये अगर 1400 से चला है तो ऊपर कहाँ 2000, 2500, 3000, किस तरह के लेवल्स लोगों के मन में इस समय होने चाहिए? ये टारगेट बिल्कुल क्लियर है मेरे दिमाग में, लेकिन बोलना ठीक नहीं है, वो क्लियर रिकमेंडेशन चला जाएगा। और अभी मैं हमारे ऑफिस में ऑडिट का काम शुरू हो गया है, तो
और उसमें बड़ा सा सर्कुलर मई 24 को रिलीज हुआ है, उसमें लिख दिया गया है साफ साफ कि मुंह बंद करके रहो, तो कुछ कर नहीं सकते जी।